स्वीटी बेटा बेटा खाना खा लो। मैंने तेरे थैंक यू वाले कप में तेरे लिए दूध डाला हुआ है। हाँ आजा आजा मेरा बेटा। शायद अगर इस वीडियो को कोई माँ देख रही होगी तो उस वीडियो को देखकर उसे भी अपने बच्चे का वो गोल मोल चेहरा याद आएगा, जैसे मेरी बेटी इतनी गोल मोल होती थी। गाइस मैं हूँ स्वीटी। स्वीटी का मतलब मीठी। आगे आपकी मर्जी है, आप मीठी छुरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ना मैं चार्ली मैम ने मुझे अपनी बुक का एक सैंपल दिया हुआ है। उन्होंने मुझे बुक नहीं दी, उन्होंने कहा कि तू ये सैंपल ही रख ले। उन्होंने मुझे ये सैंपल गिफ्ट किया अपनी बुक का और मुझे कहा है कि नमस्कार दोस्तों। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में अपना हाल चाल, क्योंकि मुझे आज फिर से बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलना। थैंक यू सो वेरी मच कि आपने मेरी लास्ट अपलोडेड वीडियो को, आई मीन टू से दैट कि संतो और बंतो वाली वीडियो को इतना प्यार दिया। थैंक यू वेरी मच। तो चलो फिर आज मैं आपके लिए क्या खास लेकर आई हूँ, भाई देख ही होगा ना स्टार्टिंग की क्लिप्स में, आपको कुछ ना कुछ आइडिया लगा होगा। जी हाँ, तो मैं उससे पहले आपको बता दूँ, वीडियो पे नए हैं और चैनल पे भी नए हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं आप हमारे चैनल का हिस्सा बन जाते हैं, मेरे परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। मोर ओवर मेरी कोई भी वीडियो जब आती है तो आपको मिलती है हमेशा की तरह सबसे पहले स्माइल करते हुए। हंसने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप फूट फूट कर नहीं बल्कि पेट खोल कर हंसेंगे। जी हाँ, कितना फनी बोला ना मैंने रियली में ही कि हम फूट फूट कर रोते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आज आप पेट खोल कर कर दांत खोल खोल कर हंसें, क्योंकि ऐसी कुछ कहानी है स्वीटी की और उसके साथ रहने वाली उसकी स्वीटी एंड ट्वीटी की। आखिर क्यों इन दोनों का नाम इतना सेम है? और उससे पहले मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था संतोर बंतो में, कि मैंने बताया हमारी इंडिया में कितने लोग जो है, कितनी पॉपुलेशन 1,000,000 लोग आज भी जो है वो बच्चे जो है वो 0 to 5 ईयर्स की एज में जो है वो कुछ बच्चे आज भी भूखमरी से मरते हैं और उन्हें खाना नहीं मिलता। तो उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ आपको कि हम माल न्यूट्रिशन में कौन कौन सी डिजीज कंडीशन को पढ़ते हैं। इसमें बता देती हूँ आपको कि इसमें कहा जाता है कि पहला कुपोषण। कुपोषण मतलब जब हमारी बॉडी को प्रॉपरली जो है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, मतलब माल न्यूट्रिशन या तो बहुत ज़्यादा या बहुत ज़्यादा कम। अब इसमें दो तरह की बीमारी आती है, एक में सूजन हो जाती है और एक में पूरी तरह से जो है वो जो मरीज है या जो भी आप कह लें, मोस्टली बच्चों में देखा जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा दुबला हो जाता है, पतला हो जाता है। तो एक में होता है क्वेश्योरकर और एक होता है मरेस्मस। जो क्वेश्योरकर होता है उसमें क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा दुबले हो जाते हैं, और मरेस्मस में पेट बहुत ज़्यादा बच्चे का बाहर आ जाता है, और इसके लिए हाई प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है। अब हाई प्रोटीन रिच डाइट के लिए मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ भी पहले अपलोड की हुई हैं, लेकिन मैं आपके साथ कुछ प्रोटीन रिच डाइट के ब्रेकफास्ट शेयर करूँगी, मैं क्या खाती हूँ बहुत कुछ शेयर करूँगी, लेकिन आज के लिए ना फिलहाल यही वाली वीडियो के साथ आप कंटिन्यू कीजिए। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट क्या है आपको साथ साथ पता लग जाएगा। इस वीडियो का कॉन्सेप्ट है, बहुत सी ऐसी लड़के हैं जो सुंदर दिखने के चक्कर में अपनी बॉडी को इतनी पनिशमेंट देती हैं, मतलब दिल तो करता है ना कि थोड़ा सा खा लूँ लेकिन खाती नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं और मोटी हो जाऊँ। भाई देखिए आपको एक बात बताती हूँ, मेरा एक सिंपल सा फंडा है, मेरा जो दिल करता है ना, जब मुझे लगता है यार मेरा रियल में इस चीज़ को खाने की क्रेविंग हो रही है, मैंने अपने मन को आज तक कभी नहीं मारा, एंड आई लव ईटिंग। और ईटिंग कीजिए, हेल्दी ईटिंग कीजिए। अगर आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा खांदू हो, आई मीन टू से दैट कि मेरी तरह आप भी बहुत ज़्यादा खांदू है ना, खाने के शौकीन है, कुछ भी मिले खाते हैं, अच्छा खाने के शौकीन रखते हैं, स्पेशली जो हॉस्टल में रहते हैं, घर से बाहर रहते हैं, वो ऑलमोस्ट बच्चे जो ऐसे होते हैं ना वो ऐसे हो ही जाते हैं। तो भाई इसका ट्रिक ये होता है कि अगर आप खा लेते हैं तो कुछ ऐसी मैनेजमेंट कीजिए कि वेट भी मैनेज, इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े, कि मैं कुछ ऐसे अपने वेट को मैनेज रखती हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं इन्हीं बातों के साथ स्वीटी और ट्वीटी की ये जबरदस्त स्टोरी। कैसी लगेगी आपको कमेंट में जरूर मोटिवेट कीजिएगा, अपना प्यार दीजिए। लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स चलो ले चलते हैं आपको स्वीटी के घर में। यहाँ पर स्वीटी कुछ इस तरह के अंदाज में है, जहाँ पर वो किस तरीके से स्ट्रिक्ट डाइटिंग करती है, मिलते हैं उससे। गाइस मैं हूँ स्वीटी। स्वीटी का मतलब मीठी। आगे आपकी मर्जी है, आप मीठी छुरी भी लगा सकते हैं, क्योंकि ना मैं ज्यादा मीठा बोल सकती ना मैं मीठा खा सकती, क्योंकि मीठा खाना सख्त मना है, क्योंकि मैं हूँ स्ट्रिक्ट डाइटिंग पे, क्योंकि मुझे बहुत खूबसूरत दिखना है, मुझे बहुत अच्छा दिखना है। क्या आप मेरे साथ मेरी स्ट्रिक्ट डाइटिंग के प्लान्स को जानेंगे? लेट गेट स्टार्ट, आ जाइए मेरे साथ। मेरी मम्मा मुझे खाने के लिए वेट कर रहे हैं और मुझे उनको भी हैंडल करना है, जस्ट कम ऑन। स्वीटी बेटा। हाँ मोम। मोम आपको पता है ना मैं ऑलरेडी ऑन डाइटिंग हूँ और मैं अपना वर्कआउट कर रही हूँ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। बेटा खाना खा लो, मैंने तेरे थैंक यू वाले कप में तेरे लिए दूध डाला हुआ है।
हाँ आजा आजा मेरा बेटा, आजा आजा। क्या करना आजकल के बच्चों की हाल, माता पिता के साथ टाइम नहीं है बैठने के लिए, हमेशा यही उत्तर होता है इसका, मम्मा मैं डाइटिंग पे। क्या कर सकते बेबी सा लो फील हो रहा है मुझे, ये तो मम्मा मुझे इतना सारा खाना लगे खाएगा कौन, मैं बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, यू नो ऑलरेडी आई एम ऑन वीट डाइटिंग, मुझे वीट भी रिस्ट्रिक्ट है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है खाने में, इंटरेस्ट तो कर रहा है यार, दिल तो सबका करता है लेकिन क्या करें, सुंदर दिखना है तो भाई बॉडी तो बनानी पड़ेगी ना थोड़ी, लेकिन मम्मी को कौन बताए अब ऐसा करके इस काम को छोड़ देता है। इतना चैलेंजिंग हो गया आज के टाइम में, अब मॉम मम्मी लोग को कौन समझाए, व्हाट टू डू, शी इज ऑलवेज टॉर्चरिंग टू इट, इज इट दिस इज पॉसिबल, दिस इज गुड। दोस्तों इस स्वीटी की हरकत देखिए, इसने किस तरीके से माँ कितने प्यार से लाए हुए खाने का निरादर करके उस खाने को फेंक दिया, और कितनी इंग्लिश छाड़ रही है, अपने आप को बहुत अंग्रेजी मैडम बन रही है। देखिए ज़रा इसके हाल और सुनिए इसके कुछ डायलॉग बाजी, और मुझे बताइए इसके डायलॉग्स आपको कैसे लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बताया जाता है वो हमारी भलाई के लिए बताया जाता है, लेकिन कुछ लोग किस तरीके से अपनी सेहत को ख़राब करते हैं, इस लड़की को देखिए। यू जस्ट फॉलो मी इंस्टाग्राम, एवरी गर्ल इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, एवरीवन इज जस्ट शोइंग हर बॉडी, हर बम्प्स एंड ऑल, सो आई आल्सो वांट टू लुक वेरी अट्रैक्टिव, एंड माय मॉम ऑलवेज टोल्ड मी टू ईट ईट, एंड इवन दो यू नो दैट दैट गर्ल्स नेम इज ट्वीटी, she tweet is a very disgusting one and she always tried to become a copy of me, but she don't know, she don't have any comparison with me, I'm beautiful, I'm always extraordinary girl, I don't have any comparison with her, but स्वीटी की बातें सुनते रहे तो आपको यहाँ पर रात हो जाएगी। चलो देखिए इसके आगे के कुछ डायलॉग, जब इसको कितनी तेज़ भूख लगेगी और अपनी माँ के खाने को फेंकने के बाद इसको उस खाने की वैल्यू का अभी इसी वक्त पता चलेगा, देखिए ठीक अपनी नज़रों के सामने। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, ऐसा करती हूँ मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ मम्मा, कुछ नहीं मम्मा कुछ नहीं, करो करो आप काम करो, मैं अपना काम कर रही हूँ। Oh my God, मेरा बीपी इतना लो रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरी ग्लूकोज तो नहीं कम हो गया, मुझे लग रहा है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। Oh God. बिना गाइडेंस और बहुत ज़्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में स्वीटी का हुआ ये हाल, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट डाइटिंग का हुआ ये बुरा हाल। दोस्तों आज मैं आपको अपनी बेटी स्वीटी की कुछ बहुत ही पुरानी 10 साल पहले की यादें दिखाने जा रही हूँ, शायद अगर इस वीडियो को कोई माँ देख रही होगी तो उस वीडियो को देखकर उसे भी अपने बच्चे का वो गोलमोल चेहरा याद आएगा, जैसे मेरी बेटी इतनी गोलमोल होती थी, दिखाती हूँ आपको, ये होती थी स्वीटी जब इतनी गोलमोल थी, धीरे धीरे जैसे जैसे ये बड़ी होती गई, इसको पता नहीं कैसे पतले होने का ऐसा शौक चढ़ा, आज इतनी पतली होकर इसने अपना ये हाल बना लिया, कितनी मोटी हुआ करती थी गोल मटोल, लेकिन आज इसने अपना शरीर ऐसी डाइटिंग कर करके पता नहीं आग लगे उन इंस्टाग्राम वालों को, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं, जो कुछ इस सोशल मीडिया पे चलता है उसको करने के लिए ये लोग, ये मेरी नहीं है हर माँ की आवाज़ है, आजकल के बच्चों को क्या हो चुका है, घर पे माँ वेट करती रहती है खाने का तो हमेशा उत्तर आता है मम्मा मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, ये कर रही हूँ, कोई तो सुनो कोई बताए भला इस माँ का क्या कसूर है, अगर बच्चे खाना खाएं तो माँ को खुशी ही होगी, लेकिन अगर बच्चे खाना ना खाएं तब भी माँ को दुख होगा, और बच्चे खाना देने के बावजूद भी उस खाने की बेकदरी करें और अपनी मनमानी करें तब भी माँ को ही दुख होता है। अब इस माँ का तो कोई कसूर नहीं है, ये माँ तो उसको टाइम टू टाइम खाना भी देती थी, उसका ख्याल भी रखती थी, अब माँ का क्या कसूर जब वो खाना फेंक देती थी, उसके अंदर ये भूत सवार था, आपने देखा कितनी कमजोरी स्वीटी के शरीर में आ गई।
गई। आगे अब आपको हम मिलवाते हैं ट्वीटी से। ट्वीटी ने किस तरीके से माई हैप्पी यूनिवर्स की उस बुक की टेक्निक को यूज़ किया और कैसे उसकी ज़िंदगी बदल गई, तो चलो आप भी शुरू हो जाइए बदलने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? मेरा नाम है ट्वीटी। जी हाँ, मैं लोगों को कर देती हूँ पूरी तरह से ट्विस्ट। जी हाँ, ट्विस्ट मैं कैसे करती हूँ? लोग मुझे कहते हैं, और स्पेशली वो बदतमीज स्वीटी मुझे कहती है चार आंखों वाली, मैं उस स्वीटी को जरूर बताऊंगी। देखिए, शालिनी मैम ने मुझे अपनी बुक का एक सैंपल दिया हुआ है। उन्होंने मुझे बुक नहीं दी, उन्होंने कहा कि तू ये सैंपल ही रख ले। उन्होंने मुझे ये सैंपल गिफ्ट किया अपनी बुक का और मुझे कहा है कि मैं इस बुक की टेक्निक को यूज़ करूँ। तो थैंक यू मैम, आपने ये बुक का सैंपल शेयर किया। मैं भी आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी, क्योंकि मैम ने कहा था कि इससे जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी टेक्निक को मैं जैसे ही यूज़ करूँगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। और मेरी ये जो चार आंखें करके मुझे ये स्वीटी चिढ़ाती है ना, मैं भी बहुत सुंदर सुंदर बन जाऊँगी। तो आप मेरा साथ दोगे ना सभी? आप भी इस बुक की टेक्निक को यूज़ करना, ठीक है दोस्तों? माई हैप्पी यूनिवर्स, अरे वाह, पहली बार ऐसा नाम सुना है। इसके ऊपर लिखा है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थोड़ा अजीब लग रहा है लेकिन मज़ा आ रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो फिर पहले ही थैंक यू बोलते हैं और शुरू करते हैं। जी हाँ, ये देखिए, अब यहाँ पे मैम ने ना मुझे, अरे बाप रे, यहाँ पे तो सबसे पहले ही चैप्टर मैम ने बताया हुआ है सेल्फ मोटिवेशन के बारे में। यू आर कनेक्टिंग विद फैंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। ओके, इसके बाद आगे ऐसा है, चलो मैम मैं आपकी बुक को ना बाद में आराम से देखूंगी, अभी फिलहाल मैं आपके चैप्टर के फर्स्ट वाले चैप्टर को बताऊंगी। यहाँ पे मैम ने ये वाले फर्स्ट चैप्टर की जो है ना वो सैम्पल मुझे ये वाली टेक्निक बताई है। अब मैं आपको ये सारी पढ़ के बताती हूँ और इसे कैसे कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैम की इस बुक से मुझे कैसे रिजल्ट मिलता है। थैंक यू मैम। तो अब मैं मैम की इस बुक के सैम्पल को रख देती हूँ साइड में, तो पता ही है मैम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। चलो, मैम ने बताया हुआ है, जैसे कि ये ट्वीटी मुझे चिढ़ाती रहती है, ये ट्वीटी मुझे कहती है कि मुझे, मैं अपनी आंखों को ठीक नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल हेल्दी नहीं हो सकती। अरे भाई, मैं बिल्कुल हेल्दी हो जाऊंगी, मैं बिल्कुल हेल्दी होंगी जो बुक मेरे को मिली है। अब मैं पहले बैठ गई हूँ, मैम ने बताया है कि जब भी ये टेक्निक करनी है तो पहले सीधे बैठ जाना है। सीधे बैठने के बाद मैम ने बताया था कि जब हम सीधे बैठते हैं तो सीधे बैठने के लिए आप मैम की और वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें मैम ने बताया था कि जब हम सीधे बैठते हैं तो हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेट करता है, हमारी बॉडी चक्रास क्लीन होते हैं। तो मैं सीधे बैठ के मैं 3 बार ब्रीदिंग लूंगी पहले। अब ऐसा करने के बाद माइंड शांत हो जाता है। इसके बाद मैम ने कहा है कि अपनी ब्रेथ को, मतलब अपनी सांस को होल्ड करना है 20 सेकंड के लिए, और अपने आप को यहाँ पे विजुलाइज करना है और अपने मुंह से सांस छोड़नी है। अगर आप सांस को 20 सेकंड तक नहीं रोक सकते तो आप जितना टाइम आपका होल्ड कर सकते हैं 1 सेकंड 2 सेकंड उतना आप कर लीजिए, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, बट हमें रिलैक्स होना है और अपनी सांसों पर ध्यान देना है। तो मैं ठीक वैसे ही कर रही हूँ जैसे मैम ने मुझे बताया, ठीक है? तो मैंने अपनी सांस को रोक लिया है और मैंने इसे होल्ड कर लिया है। तो मैं देखती हूँ मैं कितनी देर होल्ड कर पाती हूँ, और सांस को होल्ड करने के टाइम मुझे करने को मैम ने कहा था बिल्कुल स्माइल। तो मैं सांस को होल्ड करके स्माइल कर रही हूँ। और अपने फेस को विजुलाइज कर रही हूँ स्माइल के साथ, और मैम ने कहा था थैंक यू भी बोलना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब इसके बाद मुझसे सांस नहीं रुक रही है, अब मैं सांस मुंह से छोड़ने वाली हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है, आपको अपनी सांस कम से कम 20 सेकंड से कम, मतलब कि 19 सेकंड 10 सेकंड, मतलब 20 सेकंड से ज़्यादा होल्ड नहीं करनी है, और आपको अपने मुंह से सांस छोड़नी है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है। और जब हम सांस को इकट्ठा कर रहे होंगे, जिस टाइम पे सांस होल्ड होगी, तो अपना फेस यहाँ पे विजुलाइज करना है। और मैम ने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस दी थी कि जब भी अपना फेस विजुलाइज करना है तो किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है एंड फील थैंकफुल। तो मैं थैंक यू कर रही हूँ गॉड,
थैंक यू भगवान जी, थैंक यू भगवान जी, आपने इतनी सुंदर प्रीटी को बनाया। थैंक यू। अरे बड़ा मैजिकल वर्ड है ये थैंक यू। अब आ गई है मुझ में सारी एनर्जी, अब मैं खाऊंगी फ्रूट्स, अब मैं खाऊंगी वेजिटेबल्स और उस ट्रीटी को मैं बताऊंगी मेरी वाइब्रेशंस कितनी हाई हो चुकी हैं। थैंक यू चार्ली मैम। टेक्निक मैम ने कही थी कि पानी भी पीना है ना, तो पानी को भी थैंक यू बोलना है। तो मैम मैं इसको पीने के लिए थैंक यू कप का यूज़ कर रही हूँ। थैंक यू कप में चाय पीऊँगी, थैंक यू कप में पानी पीऊँगी, तो मैं कहूँगी थैंक यू गॉड फॉर माई हैप्पी यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स ग्रेस एंड माई हैप्पी यूनिवर्स एंड माई हैप्पी यूनिवर्स फैमिली, थैंक यू। कमाल की एनर्जी है। मैम कहते हैं कि वाटर की अपनी एक एनर्जी होती है, हम इस पानी को जो भी कहते हैं वो सुनता है, तो मेरा थैंक यू पानी ने सुन लिया। ठीक है, मैं खा रही हूँ खाली पे। और जैसे जैसे बताया गया था केटी खाती गई, उसने फूड्स खाना शुरू किया और आगे देखिए और उसने कैसे कैसे इस चीज़ को जारी रखा। थैंक यू। जहाँ मैं दिन में 4 चपातियाँ खाती थी, तो मैम ने कहा है कि थोड़ा थोड़ा करके खाना है, फ्रीक्वेंटली खाना है। तो मैं इस टाइम पे कटोरी में दाल पी रही हूँ, थोड़ी देर बाद एक चपाती ले लूँगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, जब भी वजन कम करना हो तो एकदम से पेट ना भर लीजिए, क्योंकि जब हम एकदम से पेट भर लेते हैं तो हमारे पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। इसलिए हमें कहा जाता है, डॉक्टर भी सलाह देते हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए, जिससे हमारा वेट जल्दी रिड्यूस होता है। तो लास्ट में बताया था कि नींबू पानी आप सुबह उठ के खाली पेट भी पी सकते हैं, या आप ऐसे नॉर्मल पूरा दिन गर्म पानी भी पी सकते हैं गुनगुना करके, वो आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है। बाकी अब देखिए कैसा चेंज आया है ट्वीटी में। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू इस माई हैप्पी यूनिवर्स के लिए, माई हैप्पी यूनिवर्स की वजह से। थैंक यू मैम फॉर माई हैप्पी यूनिवर्स, थैंक यू माई हैप्पी यूनिवर्स। माई हैप्पी यूनिवर्स ने तो मेरी लाइफ ही बदल दी। आप भी इस टेक्निक का यूज़ कीजिए, सुंदर तो आप दिखेंगे ही लेकिन ऑलवेज हायर वाइब्रेशन पर रहेंगे। मतलब कि कभी आपका मूड स्विंग हो जाता है, कभी आपको बहुत अजीब लगता है, लेकिन मैम की इस बुक में आपको कुछ ऐसा अमेजिंग मिलेगा। अगर आपको भी ये बुक चाहिए तो मैम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा इस टेक्निक को। मैम ने कहा था कि वो दे देंगे लिंक, और अगर आपको चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में फटाफट मैम को लिखिए और मैम आपके कहने पर आपको आपकी बुक, आपके ऑर्डर को जरूर घर पर प्लेस आउट करेंगे। इसके लिए आपको मैम के साथ कॉन्टैक्ट करना होगा। थैंक यू शालिनी मैम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। जब आपने मेरे से बात की थी तो मैं बहुत इंग्लिश में बातें झाड़ रही थी। मैं आपसे एक चीज़ कहने आई हूँ आज कि जिस तरह ट्वीटी ने माई हैप्पी यूनिवर्स की बुक की टेक्निक से अपने आप को उस चश्मे को उतार दिया, एक अच्छा खाना खाकर, मेरी तरह इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग ना करके, मैंने इतनी स्ट्रिक्ट डाइटिंग की लोगों की अच्छी अच्छी फिगर देख कर, मेरे को भी होता था कि मैं भी अपने आप को बहुत ज़्यादा स्लिम कर लूँ। लेकिन इसका नतीजा जो मुझे आज भुगतना पड़ रहा है, मेरा बीपी लो रहता है, मेरा ब्लड कम हो चुका है, मेरी बॉडी में जो शुगर है वो कम हो चुकी है। तो मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी प्लीज़ कुछ भी करें, डॉक्टर की सलाह लेके करें, कुछ भी अपने आप से करने ना बैठ जाएं, जिसकी वजह से आपको लेने के देने पड़ जाएं। क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तो हमारा देश स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तो हम सब क्या बनाएंगे, हेल्दी इंडिया। मैं आपसे ये कहती थी कि मैं स्वीटी हूँ और स्वीट नहीं बोल सकती, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इस स्वीटनेस के साथ यही कहना चाहूँगी, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें,
और अपना प्यार स्वीटी और ट्वीटी को ऐसे ही दें, और माय हैप्पी यूनिवर्स चैनल को, शाली मैम को ऐसे ही देखते रहें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस लाते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। जी हाँ, फिर मज़ा आया आपको, मुझे पता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। लेकिन जाने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगी, भाई देखिए, इन वीडियो के थ्रू जो कुछ भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हमारा किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का ऐसा मोटिव नहीं है, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर अबाउट योर हेल्थ। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, हमारी सेहत ही नहीं होगी अच्छी तो हम क्या ज़िंदगी को इंजॉय कर पाएंगे। अगर हम जिंदा हैं तभी हमसे सारा संसार है। सो सेल्फ केयर कितनी ज़रूरी है, और अच्छा खाना, सही न्यूट्रिशन के साथ खाना, ये भी कितना ज़रूरी है। तो आज की वीडियो से यही कुछ कहना चाहा है मैंने आपसे, डाइटिंग कीजिए, लेकिन ऐसे मत कीजिए कि बीमारियों के शिकार हो जाइए, या फिर खाना खाइए या इतना ओवर ईटिंग मत कर लीजिए कि मोटापे का शिकार हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपको हो सकता है ओवर न्यूट्रिशन दे देंगी या अंडर न्यूट्रिशन कर देंगी। अगर आप कम खाएंगे तो नेचुरली क्या होगा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होगी, आपके अंदर ताकत नहीं होगी, एनर्जी हो जाएगा आपको। अदरवाइज अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटिस, अगर ना जाने कितनी और मेटाबॉलिक डिजीज हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात कि आप अपने आप से कहीं ना कहीं जो अब आपको अपनी बॉडी में जो बहुत गंदी लगेगी, कि आपको अपना मेंटली आपको अपने आप को आप पसंद नहीं करोगे, तो एक अच्छा दिखना भी हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कारगर साबित होता है। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप के ऊपर टाइम स्पेंड कीजिए, जस्ट डू योर सेल्फ केयर, क्योंकि जब हम अपना ख्याल रखते हैं तो डेफिनेटली दुनिया भी आपका ख्याल रखना चाहेगी। सो स्टे मोटिवेटेड, स्टे मोर ब्लेस्ड विद माय हैप्पी यूनिवर्स शालिनी। मिलूंगी एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखे ख्याल, बाय बाय, टेक केयर।